जी गाइस ये देखें आप गाड़ी का इंटीरियर ये रेल गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, सारी सीटें गाइस। ये है इसका इंजन, ये अलहदा हो गया है, ये इसको पीछे छोड़ गया ये, और ये देखें क्योंकि ये इंजन इसको लेके जाता होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? तबीयत से ठीक है? मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम पाक पतन वाला। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई है, साथ में फिर आपको पता है रावलपिंडी हो, धूप हो और साथ हवा हो, ये तो हो नहीं सकता। बात तो सही है। तो माशाल्लाह हमारा पौधा भी बहुत बड़ा हो गया, कटाई करते हैं किसी दिन इसकी। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग देखा ना, मैंने आपको बताया था कि वो जिस भाई से करवानी है ना इसकी कटाई वगैरह, तो उसके पास होती है वो बड़ी सीजर जो होती है, उससे इसकी कटाई होगी। तो किसी संडे वाले दिन ना जब मुझे छुट्टी हुई तो फिर इसके हम कटाई वगैरह करवाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें। तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ शुरू करते हैं आज का नया मज़ेदार व्लॉग। गाइस सीन कुछ यूं है कि मैं, अबू जी और मामों का बेटा कज़न साहिवाल से आए थे, उनको हमने छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। तो पैकिंग शैकिंग उनकी हो गई है, तो बस अब वो तैयार श्यार हो रहे हैं, तो जो ही वो तैयार श्यार होते हैं तो हम निकलेंगे, क्योंकि सोचा यही था कि पहले भी गाड़ी करवा लें। लेकिन फिर कहते हैं जी एक ये बाइक है, दूसरी ये बाइक है, तो अब साहब की बाइक पे दोनों बैग पूरे आ जाएंगे और ये मेरे वाली बाइक पे मैं और कज़न हो जाएंगे। तो यूँ कुछ प्लान किया है, तो बस वो जैसे ही फिर तैयार होते हैं फिर निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हाँ जी, तो सुनैन साहब फिर जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो यार रहते कुछ दिन और आपको घुमाते फिराते ऐसे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, ईद के बाद कब आएंगे? अच्छा, और फिर कैसा लगा आपको हमारा रावलपिंडी साहिवाल? बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, शेरा मजा आया, मजा आया। एंजॉय किया? किया। और कोई मारे लायक खिदमत है? नहीं बस ये हम थाने जाने दो, तो काम कार भी देखी जाएगी। हाँ ये भी है, कहते हैं जी अब हमें जाने दें, जारी बात है हर बंदे ने अपना कोई ना कोई सिलसिला बनाया होता है रोजी रोटी का, इसलिए तो हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ना मैं आपके पास आऊँगा ईद के बाद, क्योंकि ईद पे तो मेरी ड्यूटियाँ लगेंगी, हो सकता है तो फिर चलें, जैसे भी हुआ फिर आप लोगों से रब्ता हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद फिर चक्कर लगाएंगे साहिवाल का। हाँ जी गाइस, फाइनली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, हमने अपनी बाइक लगा दी पार्किंग में, तो अब आगे चलते हैं उस साइड पे, तो प्लेटफॉर्म का टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद फिर आगे जाएंगे रेलगाड़ी वाली साइड पे। गाइस ये हमने लिए प्लेटफॉर्म वाली टिकट्स, क्योंकि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे आएँ, क्योंकि एक तो पैसेंजर होता है ना उसके पास वो ऑलरेडी अपनी टिकट होती है, जो उनको छोड़ने के लिए आते हैं ना उनके पास प्लेटफॉर्म का टिकट होना चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये टिकट ले ली है ताकि हमें कोई मुश्किल परेशानी ना बने। जी गाइस ये देखें आप गाड़ी का इंटीरियर ये रेल गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, सारी सीटें, ये इसका दरवाजा होता है, जाम है शायद, ये खुला नहीं, ये देखें। हाँ मैं तकरीबन जितनी बार भी गए हैं ना, हमारे नसीबों में ये 18 नंबर डब्बा ही होता है, पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो ये जनाब रावलपिंडी का साइन बोर्ड, ये सारी, ये है अवामी एक्सप्रेस। मैं क्या गड्डी का इंटीरियर बखाने दरवाजा ही जहाँ पे ये ऊपर पानी शानी भर रहे हैं बंदे, क्योंकि इसके अंदर वाशरूम भी होता है ना,
तो फिर उसमें पानी की होती है जरूरत, इसलिए फिर वो पानी पी पा रहे हैं इसमें। ये पर बंदा ये इसकी टैंकियां फिल कर रहा है। बाकी मौसम चेक करें आप, रावलपिंडी का VIP आज गर्मी है, मेरा ख्याल चलने लगी है, हारन दे दी है। गाइस ये है इसका इंजन, ये अलहदा हो गया है, ये इसको पीछे छोड़ गया ये, और ये देखें क्योंकि ये इंजन इसको लेके जाता होता है, ये सारा इंजन उन्होंने अलहदा कर दिया वाला, ये इसके जोड़ होते हैं ये सारा अटैच होगा इसमें, इसके साथ लग जाता है। अब ये बंदा देखिएगा, ये इसके साथ लगाएगा। ये जी गाइस पूरा जंक्शन है रेलगाड़ियों का, एक ये खड़ी है, एक वो खड़ी है, एक ये खड़ी है और ये भी है। ये भाई साहब कह रहे थे कि ये वाला जो है ना पावर इंजन लेके आया रेलगाड़ी, अब ये जो है अब इसके साथ कोई और इसको फिर आगे लेके जाएंगे, और ये तो वैसे भी लाहौर जा रही है ये वाली अवामी एक्सप्रेस। अच्छा गाइस हम अपने मेहमान को कह रहे हैं अलविदा, तो चलो ठीक है सुनाएगा इंशाल्लाह, फिर दोबारा चक्कर लगाइएगा। तो ठीक है जी, मौजदा तय हो गया इंशाल्लाह, अब दोबारा जल्दी आना है। हाँ जी गाइस मेहमानों को बैठा दिया है, अब वो जा रहे हैं, ये सीन है। हाँ जी गाइस प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए हैं, गर्मी थोड़ी थोड़ी फील हो रही है आज, असल में ना एक्चुअली हवा बंद है इसलिए थोड़ी सी फील हो रही है गर्मी। तो ये जी प्लेटफॉर्म के बाहर का मनाजर चेक करें, इधर हवा लग रही थोड़ी थोड़ी हुई है शुरू, तो सामने हमारी बाइक्स लगी हुई है, तो बाइक्स को निकालते हैं फिर ड्यूटी पर चलते हैं। चलें गाइस ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं कल फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके फिर।